नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ गुजिया। गुजिया एक ऐसी मिठाई है जिसके बिना होली दिवाली बिल्कुल अधूरा सा लगता है, और ये खाने में भी सबको बहुत पसंद आता है, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े। तो आइए देखते कैसे बनता है ये परफेक्ट क्रिस्पी गुजिया, और इसके लिए कौन कौन सी चीजें मैंने ली है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है मैदा, मैदा 1 किलो, सूजी 250 ग्राम, नारियल का बुरादा 250 ग्राम, खोया आधा किलो, चीनी आधा किलो, चिरौंजी लगभग 1 बड़ा चम्मच या आधा कप, कुछ कटे हुए काजू और बादाम, इसे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज्यादा कम, मैंने लगभग आधा आधा कप डाला है, और देसी घी 250 ग्राम, रिफाइंड ऑयल डीप फ्राई के लिए आवश्यकता अनुसार जितनी आपको जरूरत हो। सबसे पहले हम मैदा में थोड़ा थोड़ा करके देसी घी डालकर मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह से मोयन करेंगे। अब ये देखिए, इस तरह से हम बांध के देखेंगे, अगर ये बन जा रहा है तो इसका मतलब हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। 1 किलो मैदा में 250 ग्राम घी बिल्कुल सही है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, हमें इकट्ठा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे टाइट डो गूंथ लेंगे। जैसे हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा टाइट होना चाहिए, ताकि इसे बेलते समय हमें मैदा या तेल लगाने की जरूरत न पड़े। अब हम इसे ढककर रख देंगे और तब तक हम स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले चीनी को मैं पीस लूंगी और इसे पाउडर बना लूंगी। ये देखिए पाउडर शुगर रेडी हो गया है। अब कढ़ाई में लगभग 1 चम्मच घी डालकर हम सूजी को फ्राई करेंगे। इसे हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है, इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करना है, ताकि कलर एकदम सेम रहे सभी सूजी का। ये देखिए ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे बड़े से परात में या फिर भगोने में निकालेंगे, जिसमें हमें सारा मसाला मिलाने में, मिक्स करने में आसानी रहे। अब सूजी को निकालने के बाद उसी कढ़ाई में हम चिरौंजी को भून लेंगे। चिरौंजी के साथ साथ हम इसमें काजू बादाम भी डालकर भून लेंगे। इसे 2 मिनट तक हमें भूनना है और एकदम आंच को मीडियम फ्लेम पर रखना है। इसे भूनने के से ये होता है कि इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है और ये खाने में और ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसे भी हमने भून लिया है, इसे भी सेम परात में निकाल लेंगे जिसमें हमने सूजी निकाला है। अब हम नारियल को भून लेंगे। ये नारियल मैंने कद्दूकस नहीं किया है, ये रेडीमेड मैंने पैकेट वाला यूज किया है। ये कहीं भी किराने के शॉप में, मार्केट में इजिली मिल जाता है। इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है। अब इसे भी हम सेम प्लेट में निकाल लेंगे। अब नारियल भून चुका है, अब हम खोया भूनेंगे। इसे एकदम सॉफ्ट होने तक हमें इसे भूनना है। ये खोया भी भून गया हमारा, अब हम इसे भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये लगभग मसाला के लिए सभी चीज तैयार हो चुका है। अब हम इसे मिला लेंगे। इसे हमें मिला लेना है, उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, अगर आपको चीनी या मीठा कम पसंद है तो आप चीनी थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसे ये इतने से मसाले के लिए आधा किलो चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। गुजिया थोड़ा ज्यादा मीठा हो तभी ज्यादा अच्छा लगता है। अब हम चीनी डालकर मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाला रेडी हो गया। अब ये देखिए डो भी हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा लेंगे और अच्छी तरह से मसल कर इसकी लोइयां बना लेंगे, छोटी छोटी, जैसे हम पूड़ियां बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। ये देखिए बराबर लोइयां काट ली है मैंने। अब हम इसे गोल करेंगे और छोटे बॉल्स बना के पेड़ा की तरह इसे देखिए यूं दबा लेंगे। इसी तरह हम सभी लोइयों को तैयार कर लेंगे हल्का सा दबा के। गुजिया
गुजिया बनाने में वैसे दो लोग हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है, एक लोग बेले एक लोग भरे, तो इससे क्या है ना बहुत जल्दी बन जाता है। वैसे अकेले बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। अब देखिए ये पूड़ी को मैंने बेल लिया है, बिल्कुल पतला किया है और कहीं से भी मोटा है नहीं है, ये बिल्कुल बराबर साइज में है। इसी तरह हम सभी पूड़ी को बेल लेंगे। ये देखिए मेरा डो भी इतना सख्त था कि इसमें मैंने ना मैदा लगाया ना ऑयल लगाया है, और ये देखिए आपस में चिपक भी नहीं रहे हैं। अब हम स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग के लिए हमें इसको गुजिया बनाने वाले सांचे को के ऊपर पूड़ियों को रख लेना है और इस तरह से मसाले को रख लेना है। लगभग ये 1 चम्मच मसाला है, और साइड में पानी लगाकर इसे अच्छी तरह से चिपका देना है ताकि ये कहीं से खुले ना। इसे हमें ध्यान देना है कि कहीं से भी ये कटा फटा न रहे, वरना ये कढ़ाई में जाके फैल जाएगा और सारे गुजिया बर्बाद कर देगा। अब ये देखिए इसी तरह से हमें सभी गुजिया तैयार कर लेना है। ये गुजिया मेरा तैयार हो गया है, बस अब इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालकर गरम करेंगे। तेल हमारा बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। ये देखिए तेल हमारा गरम हो रहा है। जब तक तेल गरम होता है तो हम तो सारे सारे जो गुजिया हैं उसको एक बार फिर से वापस दबा लेंगे और चेक कर लेंगे कहीं से कटा फटा तो नहीं है, इसमें चम्मच या नाखून के निशान तो नहीं है, वरना अगर ये एक गुजिया भी फट जाता है तो सारी गुजिया को खराब कर देता है। अगर बाई चांस ये फट भी गया कोई बात नहीं, आप उसे धीरे से निकाल लें, उसे सबसे लास्ट में फ्राई करें। ये देखिए अब इसे ब्राउन होने तक उलट पलट कर हमें पका लेना है, फ्राई कर लेना है। ये बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी बना है, इसे आप कई दिन तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नरम नहीं होगा। इसे मैंने मीडियम फ्लेम पर पकाया है, आंच को बिल्कुल तेज नहीं किया है। ये देखिए एक बराबर कलर है सबका। अब हम इसे छानकर प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह सभी गुजिया बना लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।